क्या हो रहा है नीचे? हाँ, तुमने कोई ब्राउन कलर का एनवलप देखा लाउंज में? नहीं, लेकिन क्या था उसमें? बाबा के प्राइस बॉन्ड थे उसमें। उसमें किसने रखे? मामा रखकर भूल गया और बाबा का गुस्सा आसमानों को छू रहा है। मैं नीचे जाती हूँ। अच्छा, तुम जाके ना जरा उनको कूल डाउन करवाओ। अच्छा, मैं जाती हूँ। रूसा 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 क्या है, शोर क्यों मचा रहे हो? यार, वो उस दिन हम रात को जो बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है मुंतहा ने रोहिल भाई को बता दिया है। आर यू आई एम सीरियस? सीरियस यार, मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहिल भाई ने कुछ कहा तुम्हें? काइंड ऑफ क्या मतलब काइंड ऑफ? यार, समझने की कोशिश करो ना, व्हाट आई मीन बाय काइंड ऑफ। अच्छा, एक काम करो, तुम बेवकूफ बन जाओ, रिएक्ट ही नहीं करो यार। यू नो व्हाट, आई एम फ्रीकिंग आउट, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं अभी रोहिल भाई से बात करता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो थोड़ी सी लिहाज मुरव्वत रह गया ना, ये भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उनसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकूंगा। क्यों, तुमने क्या किया इसमें? तुम्हारा तो कोई वो तो कसूर नहीं यही है। समझ रहे हैं ना। और आनिया, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा मिल रही है? चौबीस घंटे में प्राइस बाउंड चोरी हो गया इस घर में। लगता है चोर और डाकू बसते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं खुद चोरों को देख के आई हूँ। आपके सामने मैंने रखे थे। तुम्हें संभालने के लिए दिए थे, इस तरह फेंकने के लिए नहीं। और मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास कानून का खजाना नहीं आप है। ऐसी बातें कर रहे हैं? आप देखे अपने बेटे के काम, सबके सामने मुझे जलील कर रहे। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? घर में ही होंगे, अच्छी तरह से ढूंढो, मिल जाएंगे। एक एक कोना छान मारा है, हर जगह देख लिया है अम्मा। अब तो कुएं में डोल डालना बाकी रह गया। अम्मी, आप ठीक से याद करें, हो सकता है कि आप कहीं रख के भूल गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। साजदा, साजदा से पूछो, वही आई थी मुझे शामिल की बीमारी का बताने। उस वक्त मेरे हाथ भी फूल गए थे और तुमने लिफाफा उठा के फेंक दिया। आज से पहले मैंने कभी आपकी कोई चीज फेंकी है? बस जरा मुझे वो बस कर जाए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप दोनों? मैं एक काम करती हूँ, मैं एमी के साथ मिलकर ढूंढ लूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। आप ऐसे नहीं जा सकते, क्या करें? बस चुप करो, जबान चलानी आती है। बेटा, तुम दोनों बहनें मिलके, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुंतहा को भी ले जाओ, सब लोग मिलके ढूंढोगे तो यकीनन मिल जाएगा। जाओ मेरा बच्चा। अम्मा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक रुपए की चीज भी इधर से उधर हुई हो। न जाने कौन लोग और कौन चोर आके इस घर में बस गए, अब सेकंडों में चीजें गायब हो जाती है। अम्मा, क्या हो गया? सब लोग बैठे हुए हैं, हौसला करें। खाक हौसला करूं? तुम्हारे बने चंद प्राइस बॉन्ड के बारे मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, सारी जिंदगी के किए किराए पर पानी फेर दिया। तुमने देखा नहीं कैसे भिगो भिगो के मुझे मार रहे थे? अम्मी, वो गुस्सा करते हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? आप चले यहाँ से, आपको पानी पिलाऊंगा, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों जा रहा है? बाहर में क्या मेरा ब्लड प्रेशर? रोहेल जी, क्या बात है बेटा? दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ टेंशन में हो, कुछ परेशान है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि रोहेल जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर जाता है, हाइपर हो जाता है, क्या वजह? शायद काम की वजह से बाबा, वो बहुत लोड है। और कोई बात? अरे बेटा, काम का लोड है तो वो गधा किस दिन काम आएगा? तुम्हारा भाई इमाद, उस पे जिम्मेदारी डालो। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम आए हो ना, वो रिलैक्स कर गया। जी, मैं कहता हूं उसको। अच्छा, एक काम करो बेटा, वो जाओ जरा अपनी खाला के घर। तुम्हारी माँ गई हुई है, काफी देर हो गई है, उन्हें लेकर आ जाओ। खैरियत से गई हो? खैरियत? अब इन औरतों का मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या करती हैं। तुम्हारे खालू के प्राइस बाउंड हो गए, अब दोनों सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि कैसे मिलेंगे, अल्लाह जाने क्या कर रहे हैं। कैसे खो गए प्राइस बॉन्ड्स? ये तो नहीं पता कैसे खो गए, अब तक तो मिल भी गए होंगे। ठीक है ना, जाओ तुम। जी। अच्छा बात सुनो, जा रहे हो तो शामीर को पूछ लेना, समझ आई? वो बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है दो तीन दिन से, तुम गए भी नहीं उसका पता करने, गिला कर रहा था। ठीक है ना, पूछ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.
बस कर दो गुलनाज, बस कर दो, एक बात के पीछे पड़ जाती हो, छोड़ दो इस किस्से को अब। बजिया ये बात जाके आप अपने बहनों ही को बताएं, 50,000 की क्या औकात है आजकल के जमाने में। बात तो ठीक है, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ, ये घटिया हरकत की किसने? ऐसी घटिया हरकत ना बस एक इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन ऐसा डाकू घुसाया तुम्हारे घर में? डाकू ना कह उसे, फुलन देवी कह, फुलन देवी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। क्या मुहावरे बोले जा रही हो, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, कौन है, किस पे शक है तुम्हें? ये मुंतहा ही है जिसने ये घटिया हरकत की है, उसी ने चोरी की है प्राइस बॉन्ड। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, तुम्हारी सास ने सुन लिया तो अजाब हो जाएगा। अजीब इंसान हो तुम, आहिस्ता बोलो। आखिर बाबा के प्राइस बॉन्ड गए कहाँ? अल्लाह जाने, कहीं सर्विंग का काम तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो एमिन, इतने सालों से काम कर रहे हैं घर पे, अगर ऐसा कुछ होना होता तो पहले हो जाता। मामा को तो एक ही बंदे पर शक है। किस पे? मुंतहा पर। मैं भी काफी टाइम से नोट कर रही हूँ। एमी बस कर जाओ, गलत बात है, इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते किसी पे, किसी ने सुन लिया तो कैसा लगेगा? तो आखिर गए कहाँ? यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है मामा ही कहीं रख के भूल गई है। प्लीज मामा के सामने अब ये नहीं बोल देना, तबीयत सेट करके रख देंगी। वैसे ही बहुत गुस्से में। आनिया बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। मुझे एक बात बताए, मुंतहा कहाँ है? जी वो लॉन में है, थोड़ी देर पहले देखा था उन्हें रोहित साहब के साथ। अच्छा रोहिल इफी खाला के साथ आए हैं? नहीं उनके साथ तो नहीं आए, शायद बाद में आए थे। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, आप जाएं। ये क्या सीन चल रहा है रोहिल भाई और उस ड्रामा क्वीन के बीच में? मुझे नहीं पता और कुछ भी नहीं चल रहा एमी। आनिया तो पता करो, ये ना वो बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दे दे और तुम बैठी ही रह जाओ।